हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है हरिद्वार से हावड़ा तक चलने वाली कुंभ एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है कुंभ एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है उत्तराखंड के हरिद्वार स्टेशन से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल के बीच में हफ्ते में 5 दिन चलती है। हर इतवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन के लिए रवाना होती है। और ये जो ट्रेन है 27 घंटे 35 मिनट में हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं और 1537 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। और ये हरिद्वार से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर इतवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के 11:45 पर रवाना होती है। और हावड़ा जंक्शन में ये 27 घंटे 35 मिनट बाद रात के 3:20 पर पहुँचती है। अगर इसके ट्रेन के टाइप के बारे में बात करें तो ट्रेन जो है सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। इसे ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको कुंभ एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन तक का कोचेज वाइज किराया बताऊंगा कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोचेज का हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन तक का क्या टिकट किराया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंभ एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। अगर इसके पहले कोच के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी का किराया है वो है तकरीबन 4230 रुपये, जिसमें 3893 रुपये तो बेस फेयर है, 60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 75 रुपये जो है सुपरफास्ट चार्ज है और 202 रुपये जो है GST चार्ज है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकेंड एसी के कोच भी हैं। सेकेंड एसी का जो हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन तक का टोटल किराया वो है 2490 रुपये, जिसमें 2276 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 120 रुपये के करीब है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि जो कुंभ एक्सप्रेस में एसी कोच या किसी भी एसी कोचेस में जो GST चार्ज है वो सिर्फ एसी कोचेस में जोड़ा जाता है, बाकी स्लीपर हाउस में GST नहीं जोड़ा जाता। तो थर्ड एसी का टोटल किराया है वो है 1735 रुपये, जिसमें 1567 रुपये तो बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और 83 रुपये जो है वो GST चार्ज है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास की कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो हरिद्वार से हावड़ा तक का जो टोटल किराया है वो है 665 रुपये, इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, बेस फेयर इसका 615 रुपये है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है और सुपरफास्ट चार्ज जो है 30 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अंडरसोर डिब्बे भी हैं, तकरीबन 3 से 4 जो है जनरल अंडरसोर डिब्बे हैं, जिसका किराया जो है 380 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन तक का बताया है, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई अनकक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहाँ से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको एक्स्ट्रा जो है पैसे देकर फूड परचेज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंभ एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। कुंभ एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 5 दिन चलती है, हर इतवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यह हरिद्वार उत्तराखंड से रात के 11:45 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। और इसके तकरीबन जो है 21 स्टेशन हैं, 27 घंटे 35 मिनट में ये हावड़ा जंक्शन से, सॉरी, हरिद्वार स्टेशन से हावड़ा जंक्शन की दूरी जो है कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने उत्तराखंड के आखिरी और इस ट्रेन के दूसरे स्टेशन लक्सर जंक्शन में पहुंचती है। लक्सर जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 12:12 पर पहुंचती है और 12:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है ये 27 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। और यहां पर ये ट्रेन जो है हावड़ा अमृतसर मेल ट्रेन के साथ जो है इसकी क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने तीसरे और उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन मुरादाबाद जंक्शन में रात के 2:37 पर पहुंचती है और 2:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और हरिद्वार से मुरादाबाद की जो दूरी है तकरीबन 166 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है वो बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:12 पर पहुंचती है और 4:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 257 किलोमीटर की दूरी जो है ये हरिद्वार से बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है वो
अपने अगले स्टेशन लखनऊ चारबाग में सुबह 8 बजे पहुंचती है और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और हरिद्वार से लखनऊ जंक्शन, लखनऊ चारबाग की जो दूरी है ये 492 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 6ठे स्टेशन निहालगढ़ में पहुंचती है। निहालगढ़ उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 9:37 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर ये ट्रेन जो है यहां तक की जो दूरी है 582 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। निहालगढ़ स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है NHH यानी कि NHH। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 7वें स्टेशन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जंक्शन में सुबह 10:21 पर पहुंचती है और 10:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 632 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन अपने ट्रेन के 8वें स्टेशन वाराणसी जंक्शन में दोपहर के 12:55 पर पहुंचती है और 1:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 775 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगलसराय में दोपहर के 2:08 पर पहुंचती है और 2:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होती है इसकी। यहां पर ये 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 793 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन और इस ट्रेन के 10वें स्टेशन दिलदार नगर जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 3:09 पर पहुंचती है और 3:11 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 851 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन जो है दिलदार नगर जंक्शन तक ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। उसके 36 किलोमीटर बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर करती है। बिहार के पहले स्टेशन बक्सर स्टेशन में ये दोपहर के 3:36 पर पहुंचती है और 3:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 955 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में शाम के 4:23 पर पहुंचती है और 4:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 888 किलोमीटर की करीब जो है यात्रा 955 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा आरा जंक्शन तक या हरिद्वार से आरा जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है वो अपने 13वें स्टेशन पटना जंक्शन बिहार में शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1004 किलोमीटर के करीब जो है ये हरिद्वार से पटना जंक्शन बिहार तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। यहां पर ये ट्रेन जो है मगध एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मकोमा जंक्शन में पहुंचती है। मकोमा स्टेशन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:45 पर पहुंचती है और 6:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। किउल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 7:58 पर पहुंचती है और 8 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1129 किलोमीटर के करीब जो है ये हरिद्वार से किउल जंक्शन बिहार की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये जमुई स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:33 पर और 8:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। झाझा स्टेशन जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है यहां पर रात के 9:30 पर पहुंचती है और 9:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंड के पहले स्टेशन जासीडी जंक्शन में पहुंचती है। जासीडी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10:07 पर पहुंचती है और 10:09 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अपने 19वें स्टेशन पर ये ट्रेन जो है मधुपुर जंक्शन झारखंड जो कि झारखंड का आखिरी स्टेशन है यहां पर ट्रेन जो है रात के 10:36 पर पहुंचती है और 10:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है वो अपने 2nd लास्ट स्टेशन आसनसोल जंक्शन पश्चिम बंगाल में रात के 11:53 पर पहुंचती है और 11:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद कुंभ एक्सप्रेस जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल कोलकाता में रात के 3:20 पर पहुंचती है और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन की जो दूरी है तकरीबन
ये ट्रेन जो है 27 घंटे 35 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन हैं। और हरिद्वार से हावड़ा जंक्शन की जो दूरी है 1537 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर करती है। और यहाँ पर ये कुंभ एक्सप्रेस जो है टर्मिनेट हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती। दोस्तों इसी के साथ कुंभ एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं या कोई भी आपके ट्रेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।